गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हमने पढ़ा था कि आपकी प्लेट तक खाना कैसे पहुंचता है, हाउ फूड ट्रैवल फ्रॉम द फार्मर टू आवर प्लेट। फार्म ट्रैवल करके फूड फार्मर के थ्रू हमारे तक कैसे पहुंचता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइसेस। स्पाइसेस यू स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। You must have noticed that your mother flavors food with spices like ginger, cloves and chilies. आपने नोटिस करा होगा कि आपकी मम्मा जब खाना बनाती हैं तो वो खाने में फ्लेवर डालती हैं, जैसे लाइक जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक, cloves, cloves मीन्स होता है लौंग, एंड chilies मतलब मिर्ची। Spices are parts of plants that have a strong taste and smell. Spices मसाले किसके पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के, That have a strong taste, और उनके पास बहुत अच्छा strong taste होता है और उनकी smell बहुत तेज़ होती है। They are used to give food more flavor or a special flavor. वो किस लिए use होते हैं spices? Food को flavor बनाने के लिए, मतलब अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए और special flavor देने के लिए। Some spices have medicinal values as well. कुछ spices, कुछ मसालों की को दवाइयों के रूप में भी उपयोग करते हैं। सो लेट्स सी सम कॉमन स्पाइसेस। सम कॉमन स्पाइसेस कौन कौन से होते हैं? चिली, वी ऐड चिली पाउडर टू फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी। हम चिली पाउडर मतलब जो मिर्ची का पाउडर होता है, हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? खाने को हॉट एंड स्पाइसी मतलब मिर्ची वाला बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ चिली पाउडर टू मेक हॉट सॉसेज एंड पिकल्स। चिली पाउडर और किस चीज़ में यूज़ होता है? हॉट सॉसेज मतलब जो आप जैसे रेड चिली सॉस और सॉसेज बनाते हैं, और या फिर पिकल्स मतलब होता है अचार, पिकल्स डालने के काम में आती है। टर्मरिक, टर्मरिक पाउडर इज यूज टू मेक फूड लुक येलो, इट इज़ यूज एज अ येलो डाई एज वेल। टर्मरिक हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर फूड को येलो करने के काम में आता है, इट इज़ यूज एज अ येलो डाई एज वेल। और क्या करता है? येलो डाई, जैसे हम कपड़े डाई करते हैं ऐसे ही ये फूड येलो डाई में भी यूज़ होता है। व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको लग जाती है, योर ओल्डर एल्डर्स ऑफन अप्लाई येलो टर्मरिक पाउडर टू योर वाउंड्स। तो जब वाउंड्स मतलब होता है जब हम किसी घाव पे लगाते हैं, जब आपको लग जाती है तो आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर का पेस्ट बना के आपके घाव पे लगाते हैं। टर्मरिक हील्स योर वाउंड्स, ये आपके घाव को भर देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कॉस्मेटिक क्रीम्स, जो हम कॉस्मेटिक क्रीम्स यूज़ करते हैं फेस पे अप्लाई करते हैं, इसमें भी आपका टर्मरिक पाउडर यूज़ होता है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्पाइस, ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्पाइस है। इट गिव्स फूड अ नाइस फ्लेवर, और ये फूड को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। क्लोव्स, क्लोव्स मतलब होता है लौंग। दे लुक लाइक नेल्स, ये नेल मतलब होता है कील, ये कील के जैसी दिखती है। क्लोव ऑयल हेल्प्स टू रिलीव टूथेक, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड सोप्स। क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है वो दांत के दर्द में रिलीव करता है, और ये परफ्यूम्स और सोप्स में भी यूज़ होती है। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कैरडमन एंड टर्मरिक आर रिकग्नाइज्ड बाय देयर स्मेल। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, क्लोव्स मतलब लौंग, मसाले जैसे लौंग, कैरडमन एंड टर्मरिक आर, कैरडमन मतलब होता है छोटी इलायची, हरी इलायची आती है ना उसको बोलते हैं कैरडमन, एंड टर्मरिक हल्दी पाउडर, इनको कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? स्मेल करके। स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड सिनेमन कैन बी रिकग्नाइज बाय देयर टेस्ट। स्पाइसे मसाले, काली मिर्च एंड सिनेमन, सिनेमन मतलब होता है दालचीनी, इनको रिकग्नाइज करते हैं टेस्ट के थ्रू, इनकी स्मेल नहीं होती है ज़्यादा। प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स हमें बहुत यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं। सो लेट्स डू एक्सरसाइज। फार्मर्स यूज डैश टू प्लो द फील्ड्स, फार्मर खेती के लिए क्या यूज़ करता है? ट्रैक्टर। नेक्स्ट, कटिंग क्रॉप्स व्हेन दे आर राइप इज कॉल्ड, कटिंग क्रॉप्स मतलब जो
जब फसल पक जाती है और उसको काटते हैं तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज़ अ राइट आंसर. द स्पाइस यूज टू हील अवर वाउंडेज. अपने जब घाव हो जाता है तो कौन सा मसाले यूज़ होते हैं? टर्मरिक. फार्मर्स एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन. फार्मर्स जो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर डालते हैं, खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो फसल को क्या करते हैं? मिनरल्स, मतलब उपजाऊ बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. फर्स्ट इज टर्मरिक, क्लोव्स, अनियन, ब्लैक पेपर. इसमें सबसे अलग क्या है? टर्मरिक, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, दे आर स्पाइसेस. अनियन, अनियन वेजिटेबल में आता है, सो अनियन इज अ ऑड वन. प्लोज, ट्रैक्टर्स, हैमर्स, सिकल्स. प्लोज मतलब होता है खेत जोतना, ट्रैक्टर के थ्रू जोतते हैं हम खेत फार्मर्स. हैमर्स मतलब होता है हथौड़ी, सिकल मतलब सिकल के थ्रू भी जोतते हैं खेत, कटिंग में काम आता है सिकल. तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें? हैमर, हैमर इज ऑड वन. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स, मेडिसिंस, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स. ये सब फार्मर्स यूज़ करते हैं जब खेती करते हैं. तो इसमें सबसे अलग है मेडिसिन, सो ऑड वन इज मेडिसिन. नेक्स्ट इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स. अ फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय डैश द फील्ड. फार्मर्स प्रिपेयर कैसे करता है सॉइल को? प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोत के, प्लोइंग द फील्ड. वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स फ्रॉम डैश एंड डैश. वाटर खेत में कैसे सप्लाई होता है? वेल्स एंड ट्यूब वेल्स के थ्रू. फार्मर्स पुट अप डैश टू प्रोटेक्ट फूड क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स. फार्मर्स खेत में क्या खड़ा करते हैं या क्या लगाते हैं अपने खेती को बचाने के लिए बर्ड्स से और एनिमल से? स्केयर क्रो. फार्मर्स पैक क्रॉप्स इन गनी बैग्स. फार्मर्स जब उनकी खेती पूरी हो जाती है, उसको पूरा कट कर लेते हैं, तो किस में पैक करते हैं? गनी बैग्स. सो नेक्स्ट पेज, थिंक एंड टेल हु एम आई. सोचो और बताओ मैं कौन हूँ. आई एम पावर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी. आई एम मतलब मैं फूड को कैसा कर देता हूँ? हॉट एंड स्पाइसी. कौन करता है हॉट एंड स्पाइसी फूड को? चिली. आई लुक लाइक नेल्स. आई एम यूज टू रिलीव टू टेक. आई एम मैं नेल मतलब नेल के जैसी दिखती हूँ. आई एम यूज टू रिलीव टू टेक और रिलीफ मिलता है टू टेक में, दांत के दर्द में, और कील के जैसी दिखती हूँ. सो लेट्स, हु एम आई? क्लोव. आई एम द मोस्ट पॉपुलर स्पाइस. आई गिव फूड अ नाइस फ्लेवर. आई एम मोस्ट पॉपुलर स्पाइस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मसालों में से है, और फूड को नाइस फ्लेवर देता है. कौन है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च. आई एम एडेड टू मेक योर फूड लुक येलो. आई एम फूड को येलो कौन करता है? टर्मरिक. नेक्स्ट ई नंबर, नेम द फॉलोइंग फार्म इक्विपमेंट. दिस इज फर्स्ट नंबर इज सिकल, सेकेंड नंबर इज़ ट्रैक्टर, एंड थर्ड नंबर इज़ ट्यूबवेल. ओके.